school was BS! हेलो पब्लिक, कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूँ अभी तक तो खैरियत से होंगे, लेकिन आगे हम क्या करने वाले हैं और आप लोग का क्या हाल होने वाला है उसका हम अब तक के कोई गारंटी नहीं लेते हैं। सर पहले तो हम आपसे सॉरी करना चाहते हैं क्योंकि हम बहुत ही लेट आ रहे हैं, लेकिन लेट हमारा आने का वजह यही था कि हम करने वाले थे बहुत जल्द एक बंदा फ्राई। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, दुनिया करती है रोज हम करते हैं फ्राई। काफी दिन इसीलिए लग गया क्योंकि हम फ्राई के लिए बहुत सारा स्टफ जमा कर रहे थे, बहुत सारा मटेरियल जमा कर रहे थे और बहुत सारी कोशिश कर रहे थे। वह तो अपना फ्राई शुरू होने से पहले ही बता देते हैं कि अगर आप घर में बैठे हो या कहीं भी बैठे हो तो कानों में हैंडफ्रियां लगा लेना भैया, कानों से खून बहुत जल्दी आने वाला है। मोबाइल को थोड़ा सा दूर रख लेना भैया, ऐसी चीजें जो है सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक होती है, ठीक है? कभी आपको पर बुरा असर न पड़ जाए। तो चलिए अब सितारा कर लेते हैं बिना किसी भगत को जिया किए। तो नाजरीन, तवे के नीचे हम लगा चुके हैं आग और हमारा ऑयल जल चुका है ऊपर से। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होकर आग के बुलबुले में पुड़पुड़ करेगा तैसे ही हम अपना बंदा डालेंगे फ्राई करने के लिए। तो अभी कुछ ही सेकंड पहले एक व्यक्ति को आपने देखा जो आया था खी कू गंग करता हुआ आया था। साला वो हमारा ना ही इंट्रो था ना ही हमारा स्टार्ट था, वही तो आज का हमारा कंटेंट था। आज हम फ्राई करने वाले ही उसको है। नाम पता है उसका का है? क्यूट बच्चा, गलती से रख दिए घर वाले, घर वालों ने बड़ा प्यारा नाम रखा था। पर क्या करें सर, ये टिकटॉक की कम्युनिटी इस तरह की है ना भाई, आते ही कोई क्यूट बच्चा हो जाता है तो कोई क्यूट बच्चा हो जाता है तो कोई पापा का परा हो जाता है भाई। तो हम शुरू करते हैं अपने इस स्मार्ट बच्चे की खुशियात को बयान करना। तो सारा टिकटॉक पे तो इसका नाम है ना स्मार्ट बच्चा, पर जिंदगी में तो असल में है किसी ए रंडी का बच्चा। चलो 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 ए दो वन तो जैसे हमने इस बंदे का वीडियो देखा ना, तो भैया हमारा दिल दिमाग चीख चीख के बोला भाई इसके ऊपर तफ्तीश कीजिए। जैसे हमने इसका तफ्तीश किया तो इसके मुंह के अंदर के जो माउथ मिक्सचर के अंदर विटामिन ए टू जेड चल रहा था ना भाई, वो हमको चीख चीख के बोला भैया डोंट वेस्ट योर टाइम, लेट्स डू अ क्राइम। इसीलिए हम निकाल लिए अपना तवा, डाल लिए उस मोबाइल, चला दिए उसके नीचे आग और करना शुरू होगा फ्राई। तो जैसे ही हमने ये वाला क्लिप देखा तो हमारा साथ देने का तो नहीं खैरात देने का दिल बहुत ही जोर से किया वे। अगला देखते हैं वे। 3 2 1 पिले। नहीं 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 यार, हमको बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है, हमारे पिल्ले बॉय को बुलाओ ना, हमारे स्मार्ट बॉय को बुलाओ, हमारा स्मार्ट बच्चा करके दिखाएगा वे। करिए वे। 3 2 1 पिले। ये वो बात है पिल्ले, आप समझे हो ना, मजा ऐसा नहीं आता है स्मार्ट बच्चा से सीखो कुछ। पिल्ले भैया की तो हमको बात समझ में आ गई, लेकिन ये जो प्राणी है ये वाले ये साला पिल्ले भैया की हर वीडियो में उनके 6.5 करोड़ रुपए मुंह में रख के घूमते रहते हैं भाई। अगर किसी को 6.5 करोड़ वाली बात समझ ना आए तो कमेंट कीजिएगा, हम जरूर बताएंगे उसका मतलब। देख लो क्या हो गया, अब ये सुन लो क्या बना हुआ है तुम लोग के लिए करते हैं। 3 2 1 साला बिजली तमाम हरकतों से तो हम पहले ही डायग्नोस नहीं कर पा रहे थे कि ये क्या चीज है, और इन हरकतों के बाद तो हमारे पास कोई जवाब ही नहीं है ना, ये क्या चीज है। बातों में हमारे प्यारे भैया स्मार्टी बच्चे के ब्लू ग्रीन अलजाए का पापड़ी जम गया है। आप और मैं तो सर के ऊपर बाल रखते हैं, लेकिन हमारे ये वाले जो भैया हैं इनके सर पे पता है क्या है, वो टॉम एंड जेरी की जो विचेज होती है ना, उनके पास एक मैजिकल झाड़ू होता है साला जिसके ऊपर बैठ के उड़ जाते हैं, वो झाड़ू तक कह सकते हैं। हर वीडियो में इनके मक्खी यहाँ पर बैठा होता है, पता नहीं एक मक्खी है, पता नहीं 2-3 मक्खी है, पता नहीं बहुत सारी मक्खियों का मिक्सचर है, कहा है हमको ना ही पता, पता नहीं वो कहा है, बस है मुंह पे। पैंचा भैया हर वक्त यहाँ तक के चला के रखते हैं घुटने तक के, ऐसा लगता है कि अभी अभी बोरिंग करके आ रहे हैं। इन बाकी की तमाम हरकतों से ही तो साबित हो गया था कि भैया इस प्लेनेट के थोड़े थोड़े तो ना ही है। जो इन्होंने आप बुरका पहना है ना, इससे तो इन्होंने पक्का साबित कर दिया भाई अर्थ पे रहने वाली जीवक में से तो ही ना ही है, पता नहीं कौन से ही प्लेनेट का कौन सा जानवर यहाँ आ गया उतर के। घर वाले ने इसको बहुत ही प्यारा बनाया होगा, अभी आपको क्या लगता है कि बचपन से इसके दांत में पपड़ी लगी होगी क्या बनाया इनको भी ऊपर वाले ने, अमरी तरह इंसान ही होगा, लेकिन आगे जाके काठियावाड़ी चमनपुर चूतिया खुद बनाए ये। हाँ कैसा लग रहा हूँ? रुक तेरे को बताते तेरी माँ की चूत तेरी, रुका। हाँ कैसा लग रहा हूँ? गांडू गांडू। हाँ कैसा लग रहा हूँ? चूतिया। हाँ कैसा लग रहा हूँ? कैसा दिया आपको है? नहीं दिया अच्छा है भड़वे।
सुन ले बे कैसा लग रहा है, और कोनो सवाल करना है का? काने लग रहे हो काने? हाँ, ये दुबई से मंगाए जेनियन चश्मा है। सुन लिया ना मेरे भैया ने इतनी दूर से मंगवाया है चश्मा, कहाँ मंगवाया है? चश्मा। हाँ तेरे को क्या पता। तो भैया ये तो ही थे, ये हमको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि चलो ये तो चीज ही ऐसी है, इनका तो हक बनता है ये सब करना, लेकिन इनकी कम्युनिटी के बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं जो इनके साथ वीडियो बनाने को फखर महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमेश, कैसे हो? वालेकुम सलाम। आप इधर। हाँ वो मुझे तुम्हारा जो एक जबरदस्त आजकल बड़ा चल रहा है छाया हुआ है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, 3, 2, 1 अल्लाह, वो बड़ा अच्छा लगा। तो मैं तुम्हारे लिए आज 13 Pro Max गिफ्ट लेकर आई हूँ। अरे 13 Pro गिफ्ट? जी ओएस के लिए। हम दोनों क्या ना? हाँ आप दोनों का फाड़ देते, आपके लिए दोनों दोनों चलाना, दोनों क्योंकि तुम दोनों साथ रहते हो ना। हाँ आपको दे रहा हूँ ना, चलता है ये आप समझ रहे, चलता मलता नहीं है। 13 Pro मेरे को दिया सनोवर छोटी ने। बात तो सच है कि टिकटॉक वो प्लेटफॉर्म है जिस पे आप कितने बड़े चूतिया हो 30 सेकंड में साबित कर सकते हो। इतना बड़ा फूल ला के दे दिया है 13 Pro Max, तो आगे से भैया उनका नाम का ले रहे हैं Sarsin Pro Max, Sarsin Pro Max, Sarsin Pro Max। से मेरे को दिल बहुत मेहनत करते हैं दोनों, फाड़ देते हैं और ये पल्ले करते हैं। देखो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, 3, 2, 1 अच्छा एक तो छोटी सी चीज हम आपको बताना भूल गए कि जिस दिन इस हमारे स्मार्टी बच्चे की बुनियाद रखी जा रही थी ना, उस दिन थोड़ा सा हिस्सा जर्मन शेपर्ड ने भी लिया था। वह नजर आया ना अभी आपको? ई का होत रहा है बे, व्हाट इज दिस फकिंग पेंच यू आई बे? पुष्पा, पुष्पा नाम है मेरा, मैं झुकेगा नहीं साला। तू तो क्या, तेरे अच्छे भी झुकेंगे। झुकेगा नहीं, तेरे अच्छे भी झुकेंगे। वीडियो खराब मत करा। अवेश तुम सिर्फ मेरे और किसी के नहीं हो सकते, हम दोनों के बीच अगर कोई आया तो समझो वो मर गया। हाँ भाई, तमाम जितना भी हम फ्राई करने लगे हैं ना, इस पूरे फ्राई के अंदर हमको सबसे ज्यादा दुख ई वाला पार्ट बनाते हुआ हुआ है। अगर तुमने मुझे हजारों में चुना है ना, तो यकीन मानो मैं तुम्हें लाखों की भीड़ में भी नहीं खोने दूंगा। मतलब वेयर आर यू तमाम बॉय यार, कराची के तमाम जितने भी सिंगल लौंडा लौंडे लोग हैं वो सब आ जाओ हमारे साथ, हम भी जा रहे हैं नेटी जेटी का पुल पे चढ़ेंगे सारा एक साथ, कूद मारेंगे बे, डूब मरने का तो मकाम हमारे लिए ही है, साला ये भी बच्ची लेके घूम रहा है बे। तो चल लेते हैं अपन लोग अभी से, हुआ जहाँ हमको बाद में भी जाना है बे, ये सब हमसे ना ही झेला जा रहा है इस दुनिया में। नहीं भैया, इस रणछोड़ लाइन के स्मैक्सी कपल को देख के हमको मरने वाला फीलिंग आ रहा है, हमको मारो यार, हमको जिंदा मत छोड़ो भैया। अबे हमको तो इतनी देर से ही समझ नहीं आ रहा है कि ये पापा की परी पापा के परे के अंदर इतना घुसने के बाद भी इतनी जहरीली चीज के अंदर घुस के भी जिंदा कैसे है बे? ये मोहब्बत तो बहुत बात का किस्सा है मुर्शिद, उसने मेरा हाथ परेशानी में थामा था। देखा आपने कितना मुश्किल वक्त में साथ दिया उसने, इतना मुश्किल वक्त में साथ दिया कि बहन जी का गुटखा खत्म हो गया था तो पूरा मावे का पैकेट लेकर गया होगा, वो भी गोली मार बड़ा वाला, पता है इतना बड़ा आता है। देख रहे हो ना कितना सारा साला कितना मुश्किल वक्त में साथ दिया है हमारा इस बहन का, बहन के लोड। यार गाइस वो मेरे से नाराज है आज यार। हाँ तो भैया नाराज कैसे नहीं होगी, वो डर गई होगी ना, जैसे ही तुम जाके बराबर में बैठे होगे उसको लगा होगा कब्र का अजाब अभी से नाजिल हो गया हम पे, वो तो बाद में पता चला होगा कि स्मार्ट बच्चा बैठा है उनके बराबर में। मैं बहुत गुस्से में बैठी हुई है। तो भैया गुस्सा तो आएगा ना बे, जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना तुम्हारे बाप को भी बहुत ही गुस्सा आया होगा, उनने पूछा होगा तुम्हारी अम्मा से अभी क्या कर दिया ही, और उसके बाद डॉक्टर से भी पूछा होगा, अभी जब तुम देख लिए थे ऐसी चीजें सर हमको दिखाते ही नहीं ना बे, शार्ट करा देते वहाँ से कहीं से। तुमको गुस्सा नहीं आएगा तो किसको आएगा बे, तुम कभी शकल देखो अपना शीशे में, तुमको खुद को भी अपने ऊपर गुस्सा आ जाएगा। तो मना तो अल्लाह करे मान जाए। क्या हो गया यार, क्यों नाराज है यार? मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। क्यों, क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया यार? क्या नहीं किया बे तुमने, तुम अपने आप से पूछो, तुमने दुनिया में आकर ही बहुत ही बड़ा गलती किया। पर्सनल बात है,
पर्सनल बात है ना हमारी, तुम आपस में करो। हाँ ना, गलती हो गई। अरे नहीं 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 भैया, बिल्कुल भी सॉरी नहीं करो, गलती तुम्हारा थोड़ी है, गलती तो तुम्हारा बाप का है। साला उस दिन सो गए होते ना तो तुम जैसी गलती इस दुनिया में नहीं आती। तो बस भैया हमारा तेल खत्म हो गया फ्राई कर करके, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हमारा फ्राई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट भी करके बताइएगा, और अगर आपको पसंद आता है तो आप हमको बताइए हम और फ्राई बनाएं या नहीं बनाएं। तब तक के लिए हम चलते हैं, हमको इजाजत दीजिए, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बे। कैमरा ठीक है ना? एक दफा आपका भाई ट्राई करने लगा यार, ठीक है आपका भाई एक दफा ट्राई कर रहा है। 1